कमीशन जो हमारे साथ है, अभी चुनाव आयोग से आया है, एक मुद्दा लेके गए थे, महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमने प्रेस को भी इससे पहले अवगत करवाया है, वो ये है कि बार बार एक मूल सिद्धांत का उल्लंघन करना अगर सीखना है तो माननीय मोदी जी से सीखना चाहिए, भाजपा से सीखना चाहिए। एक सबसे ज्यादा सैद्धांतिक चीज जो है चुनाव आयोग के नियमों में, अनुच्छेद 123 में, कानून में, गाइडलाइंस में इत्यादि इत्यादि, वो ये है कि किसी रूप से सीधा या परोक्ष सरकार के कोई भी तौर तरीके, उनका कोई भी इंस्ट्रूमेंट का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते चुनाव के दौरान। ये एक मूल सिद्धांत है शुरुआत से, समतल जमीन को बनाए रखना चुनाव के दौरान, आप यंत्र तंत्र सरकार के दुरुपयोग नहीं कर सकते। हम इसका दूसरा उदाहरण लेके चुनाव आयोग आज पहुंचे हैं, बड़ा गंभीर उदाहरण है, आज प्रकाशित हुआ है आपके अखबारों में, राष्ट्रीय अंग्रेजी की जो डेली है बहुत बड़ी है उनमें प्रकाशित हुआ है, उसमें तीन बिंदु उभर के आते हैं कि सरकारी अफसरों ने मांग की विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट से कि वो तथ्य भेजें, वो वाक्य भेजें, वो आंकड़े भेजें जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया जाए। अब ये बात कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए, ये स्पष्ट लिखा है ईमेल में जो हमने 28 मार्च की ईमेल पढ़ के बताई, जिसका संज्ञान हमने लिखित रूप से दिया है चुनाव आयोग को। आस्था ग्रोवर सरकारी अफसर है, इनका नाम भी लिखा है हमने, वो लिखती है डिपार्टमेंट्स को कि हमको तथ्य दीजिए चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करने के। इससे ज्यादा प्रमाणित सीधी बात क्या हो सकती है? दूसरा पहलू, जब वो तथ्य आते हैं तो अगर उन तथ्यों का मिलान करें तो जैसा वाक्य आता है वैसा का वैसा बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया जाता है, एक शब्द कॉमा फुलस्टॉप का भी बदलाव नहीं है, जो वहां लिखा है स्टार्टअप्स के बारे में वो शामिल हो जाता है यहाँ पर, जो वहां लिखा है इंक्यूबेशन के बारे में वो यहाँ शामिल हो जाता है। हमने उसके भी लिखित रूप से, तुलनात्मक रूप से टेबल बना के उदाहरण दिए। तीसरी बात, जैसा आप जानते हैं अनुच्छेद 123 में नियमों में ये प्रतिबंधित है कि सीधे या किसी रूप से अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो वो गैर कानूनी। देखिए, हमने चुनाव आयोग से ये कहा है कि चुनाव के अब कुछ दिन बचे हैं, ये घंटों में नहीं तो एक दो दिन में निर्णित होना अति आवश्यक है। ये सरकार, ये प्रधानमंत्री मोदी कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना के चल रहे हैं, हमने आज उसको कहा है कि मोदी प्रचार का ये एक संहिता बन गई है, आचार संहिता नहीं रही है, इस पे तुरंत पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तो हौसला मिलेगा अन्य सरकारी अफसरों को, अन्य महकमों को इसको दोहराएं, और उसको रोकने के लिए अगर चुप्पी भी साधी तो भी हौसला अफजाई होगी, इसलिए अति आवश्यक है कि तुरंत इस पर रोक लगाई जाए। चुनाव आयोग ने ध्यान से सुना हमें और हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। धन्यवाद सर। वो जो 10 तारीख तक राहुल गांधी को जवाब देना था, वो शेड्यूल वाले बयान को लेकर क्या जवाब दिया गया? कानून के अनुयायी हैं, अगर 10 तारीख तक समय था जो मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो फाइल हो गया होगा, मैंने उसको खुद को देखा है, मुझे फाइलिंग की तिथि मालूम नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से समय सीमा के पहले फाइल हो गया है। अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिसर, अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी बिकॉज इट्स अ बीजेपी मैनिफेस्टो, अगेंस्ट द एंटायर मशीनरी ऑफ द बीजेपी विच इज मिसयूटिलाइजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।